बटाला के नज़दीकी पिंड खुजाला के स्टेडियम विखे एक ऐसी स्पोर्ट्स क्लब चलाई जा रही है जिथे बच्चों को खेडों नाल जोड़न लई कोच बच्चों को एथलेटिक्स की मुफ्त देंदे हन ट्रेनिंग। NRI पुलिस कर्मचारियों और नौकरीशुदा लोगों की मदद नाल ट्रेनिंग लै रहे बच्चों को खुराक और सारा समान भी दिता जाता है मुफ्त। हुण तक 100 के करीब बच्चों को दे चुके हैं ट्रेनिंग और 70 बच्चे अजे भी लै रहे हैं ट्रेनिंग। 3 कोच देंदे हन बच्चों को ट्रेनिंग जिन्हों विचों एक आर्मी रिटायर्ड है। देखो 4 कोच है जी, एक तो साढ़े रिटायर्ड इंस्पैक्टर ऊधम सिंह, एक BSF के रिटायर्ड इंस्पैक्टर, दोनों स्पोर्ट्समैन, दोनों के ऑल इंडिया पुलिस मैडल है। तो उन्हां करके एक साढ़े फीमेल है परमजीत कौर, एक कोच साढ़े होर है वा इतने सोनू जी, वो फादर साहब पहला हुशियारपुर से कोच, उन्होंने तो बाद फ्री सेवा करते हैं जी इतनी। तो दूजी गल है भी इतने असी टाइम टू टाइम बच्चों की जरूरत अनुसार जे कि कोई शू नहीं है उन्होंने शू दे, जे कोई ट्रैक सूट नहीं है ट्रैक सूट देते, फिर उन्होंने डाइट का ख्याल रखी, डाइट डेली देंगे जी। डाइट के सर मतलब जिदा जिन्ना जिन्ना भी अं दसवंध अपना पा सकते हैं, जिदा NRI भी मतलब वाद सहयोग आ साडे जिहड़े जे जॉब अं करते इतने जिन्ना साढ़े को अं करते हैं, मतलब हर बंदा दिलों करता जी। इतने कोई किन्ने इस वे बच्चे है ट्रेनिंग लै रहे साढ़े को जी 75 बच्चे तो एथलैटिक दे जी, तो 50 होने साढ़े को फुटबॉल वाले मुंडे आ वो भी करते इसे ग्राउंड से प्रैक्टिस करते, कबड्डी वाले भी इतने करते है, तकरीबन 200 के करीब तो बच्चा हैगा इतने जी। किसी भी पिंड का हूँ ते सामने एक मैं तुम दसिया से खोखर पिंड श्री हरगोबिंदपुर लगे, उतो फादर वह लैके इतने आया साढ़े को, वो लैके बेचारा डेली आता। अं तो यही आने मापे तो उन्होंने भी थैंक्स करते हैं भी जेडे बच्चे अपने तेल फूक के बेचारे इतने आते हैं, उन्होंने कुछ चंगा लगता। हूँ 45 के करीब साढ़े को लड़कियां बेचारिया जड़िया बेखौफ इतने प्रैक्टिस कर दी, किसी चीज़ की इतने कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। अं स्कूलों के कॉलेजों के जोड़े प्रिंसीपल है जी उन्होंने टाइप करीदा जी, उन्होंने फिर कहीदा भी अं जो स्पोर्ट्स जी स्पोर्ट्स वालों फ्री अं एजुकेशन दें जी स्पोर्ट्स की, उन्होंने प्रैक्टिस कराने तो साढ़े को बच्चे भेजो जी। तो कुछ बच्चे जो सा पहले ऑलरेडी साढ़े को जी उन्होंने वेख के भी बच्चे आते हैं जी, काफ़ी साढ़े दूरों दूरों पिंड बच्चे साढ़े को आते हैं जी। तो अं कोशिश करते हैं भी हर बच्चे जो वधिया जो उन्होंने समान चाहिए जिहड़ा बच्चा जिहड़े इवेंट सिलेक्ट आ उस हिसाब ना उन्होंने फिर प्रैक्टिस कराने जी। अं करके बच्चे साढ़े 4 बच्चे तो भर्ती हो गए जी, तो नैक्सट 3-4 बच्चे साढ़े हो रहे जोड़े वो इस वे भर्ती से वो डिजर्व करते भर्ती जी, जो अज भी ट्रायल दवाइए अं उन्होंने तो वो मालिक की कृपा ना भर्ती होगी जी, हर महकमा स्केल होगा जी उन्होंने। देखो जी ये जो सा पिंड सगा ना सारा एरिया इस हाई स्कूल काफ़ी पिंड पे और साढ़े सर से भुल्लर साहब सरदार जगिंदर सिंह और सरदार गुलजार सिंह जी होनी वो स्पोर्ट्स में बहुत प्यार करते, उन्होंने बहुत मतलब सैकड़े एथलीट जे पैदा किए और अभी नैशनल के उन्होंने 10-10 बच्चे मैं भी 3-4 नैशनल गेम मैं खेलिया और साढ़े पिंड बहुत ना से एथलैटिक्स उन्होंने रिटायरमेंट तो बाद जो रिटायर हो गए तो वह स्टॉप लग गया, उस स्टॉप तोड़न वास्ते एक इंसीडेंट होया भी मैंने किसी ने पूछा भी खजाले के उस तरह दौड़ा चलदी तो वो मैनू उन्हें सौन नहीं दिता रात उस तो बाद फिर मैं सोचा भी मैं इन्हों दोबारा किया जाए इस जी स्टॉप लगी है साड़ी एथलैटिक्स की उस तोड़न वास्ते असी 10 साल पहला ये जी एथलैटिक्स मीट सी शुरू की थी तो अज असी बहुत अच्छी पोजिशन पर पहुँच गए हैं। इतने किन्ने को बच्चे होंगे तो किन्ने को बच्चों कि ट्रेनिंग दी जाती है? एथलैटिक्स की सारी ट्रेनिंग दी जाती है, साढ़े को 4 कोच ने तो सारी इक्विपमेंट है तो साढ़े को 70-75 बच्चे आ और सारे ही इलाके के बच्चे आ रहे हैं, दूरों दूरों बच्चे आ रहे हैं, कई कई 15-15-20 किलोमीटर तो भी आ रहे हैं और उन्होंने फ्री फैसिलिटी और ट्रैक सूट शू सारा कुछ उन्होंने दिता जा रहा, किसी सारे जी इक्विपमेंट हैगी एथलैटिक्स की किसी चीज़ की भी लोड़ हो गई, मतलब कि कुछ बच्चों की फीस भी भरते हैं जेडे थोड़े ज़्यादा गरीब आ बच्चे उन्होंने होर उन्होंने एक्सट्रा पैसे दे के उन्होंने दुध लाया किसी का चिकन लाया किसी के अंडे लाए आ जोड़ा बच्चा सानू लगता भी अगर छेदी जाने वाला उन्होंने अं कोशिश करते हैं और गरीब आ तकरीबन ही गरीब घर के बच्चे आ मतलब तो उन्होंने अं हरेक एवरीडे उन्होंने अं खाने वास्ते भी सारा कुछ उन्होंने प्रोवाइड करते हैं। देखो जी मैं अपील करना चाहुंदा असीं तो एक सेवादार वजों काम कर रहे हैं, एक साड़ी यूनिट बनी है टीम बनी है जिस एक्स सर्विसमैन NRI वीर इस यूनिट के नाल जुड़े है साढ़े जो जिथे तक संभव हो सकता वो स्पोर्ट्स नूं प्रमोट करने वास्ते खासकर एथलैटिक्स उन्हें पूरी कोशिश कर रहे हैं दिन रात उन्होंने किया। मैं तो सरकार नूं भी अपील करूँगा सब तो पहला जिहड़ा स्पोर्ट्स वास्ते जिहड़ा बजट आ
उन्होंने सरकार पिछले साल जो 22 करोड़ से उसकी थान पर घट्टो घट 150 करोड़ का बजट स्पोर्ट्स वास्ते होना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगे आ। सिंथेटिक ट्रैक बनाने लगे 5 से 10 करोड़ तक का खर्चा आ जाता। दूसरा, सरकार को इस पहलकदमी करनी चाहिए आ, जिहड़े साडे पुराने स्पोर्ट्स विंग सीगे जां सेंटर स्पोर्ट्स सेंटर बने आ बिल्कुल बंद आ, जिन्हां च कुगियां कबूतर कां बोलदे आ, जां उहनां विच जाड़ा लगा किसी समय के उन्हां दे विच 40 से 50 वख वख जिलियां तो बच्चे आके उत्थे रहिंदे सी ते इस गेम्स करदे सी, कोई हॉकी सी, कोई फुटबाल सी, कोई एथलेटिक सीगा। सरकार उस चीज़ वाल भी लैके जाए। और उस तों इलावा जो सरकार नशियां दी गल करदी, जिहड़ा पंजाब दे विच भी, मैं पंजाब दे सारे अपने वीरां नूं अपील करूँगा भी जिहड़ा खोरा लग गया पंजाब नूं नशे दा, जे तो वाकई असीं अपनी जवानी बचाउणा चाहुंदे आ ते अपने बच्चों नूं खेडां वाले पासे बिल्कुल जोड़ना पऊगा और बहुत छोटी उम्र तो जोड़ना पऊगा, तां जो शुरू तो तकरीबन इत्थे तुसीं देख सकदे हो 8-10 साल तो लैके तकरीबन 22 से 25 साल तक के लड़के और लड़कियां, वड्डी गिणती दे विच लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे असीं स्कूलों दे विच जाने आ, प्राइमरी स्कूलों जाने आ, मिडल स्कूल विच जां सीनियर सैकेंडरी स्कूल विच जां कॉलेज विच, उत्थे काउंसलिंग करदे आ, उहनां दे प्रिंसीपल साहिब नाल जाके रिक्वेस्ट करदे आ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ।